नईमबई वासी के होल्डिंग पॉइंट्स को लेकर विवाद पैदा हो गया है। विवाद यह है कि पिछले 14 सालों से उसकी सफाई नहीं हुई और इसी वजह से उस होल्डिंग पॉइंट में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। आने वाले मानसून में उसका असर जो है पूरे वासी शहर पर हो सकता है। दिव्या गायकवाड़ वहाँ की स्थानीय नगर सेविका है और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है आज तक इस होल्डिंग पॉइंट की सफाई नहीं हो पा रही है। आप लगातार प्रयास कर रही हैं, क्या आपको वजह पता चली? सर, जैसे आपने कहा कि 14 साल से सफाई नहीं हो रही है, ये बात सही है, ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं। लेकिन मैं उस एरिया की 6-7-8 की नगर सेविका 2015 से हुई और जब से मैं हुई हूँ तब से मैंने ये इशू हाउस में हो या स्टैंडिंग कमेटी में हो, मैंने बार बार इसको ये मुद्दे को पे आवाज़ उठाई है। अभी तो मुद्दा ऐसे जैसे आपने देखा है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है अवार्ड सर आए कुछ इश्यूज़ को लेकर बात करने के लिए, तभी मैंने ये मुद्दा उठाया क्योंकि जिधर भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती रहती हूँ। इससे पहले भी मैं हमारे जो ये उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से उनको भी मैं 2-3 दफ़ा मिली थी और उन्होंने मेरे सामने महेशकर जो मनीषा महेशकर जनरल सेक्रेटरी मैडम है उनसे फ़ोन पे बात की, मुझे बोला उनको जाके मिलो, मैं जाके उनसे मिली, उनको मैंने सब बताया कि मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, शायद उनको पता नहीं होगा लो लाइंग एरिया है, हमारे एरिया का ही इशू नहीं है वाशी का 6-7-8 का, तो ये पूरे नवी मुंबई का इशू है और होल्डिंग पॉइंट मैनमेड है, वो साफ करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है तो मैडम को मैंने बोला लोगों को खतरा है, लोगों के घरों में दुकानों में पानी जाने के चांसेस है क्योंकि अभी आज आपने देखा होगा कमिश्नर सर बोले 90% ही पूरा 100% वो भरा हुआ है, अभी वो भी किधर की कहीं ना कहीं कमिश्नर होते हुए वो हेल्पलेस है, इसमें उनका कोई रोल अभी है नहीं। इसलिए मैं फॉलोअप करने अभी ऊपर लगी जैसे अजीत दादा सर हो, मनीषा महेशकर मैडम हो, क्योंकि जितनी एनओसीज चाहिए थी वो हमारे कमिश्नर सर ने फॉरेस्ट की हुई है वो सब दे दी। अभी मनीषा महेशकर मैडम ने वो प्रपोजल लेना बहुत ज़रूरी है पिछले MCZMA का, पिछले टाइम में जब उनको मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था, आश्वासन दिया था मैडम मैं अप्रैल में ये प्रपोजल लूँगी करके, लेकिन वो लिया नहीं, क्यों नहीं लिया मुझे मालूम नहीं। वापस मैं अजीत दादा सर से मिली, उनसे कहा, उन्होंने उनसे बात की और वो बोले कि मैं लूँगी कैसे। आज मैंने अवार्ड सर से सामने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने भी वही कहा पॉजिटिव वे कि मैं मनीषा मैडम से बात करता हूं करके और मैं देखता हूं कि वो ये प्रपोजल ले। तो मुझे यही कहना है कि हर कोई कोशिश कर रहा है, हर एक ने कोशिश करना चाहिए, मैं अपने एरिया के लिए कोशिश कर रही हूं। मैं तो ये नहीं कहती कि MLAs क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो 25 साल से जो रूल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा अभी सर ये लेवल पर नहीं रहा है, ये मुद्दा ऊपर की लेवल पर है और मैं पॉजिटिव से ही हमेशा चलती हूँ, निगेटिविटी में सोचती नहीं हूँ और पूरी मुझे यकीन है कि जैसे हर कोई कोशिश कर रहा है डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकलेगा। आपने कहा कि आप निगेटिव नहीं है लेकिन जो पर्यावरण विभाग है वो खुले तौर पर दिख रहा है कि वो निगेटिव अप्रोच अपना रहा है क्योंकि इतना सीरियस ये मामला है, इसके बावजूद भी इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। शिवसेना के जो मंत्री हैं आदित्य ठाकरे वो पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण जो समाघात विभाग है वो भी शिवसेना के अधीन है, विजय नाहटा उसके चेयरमैन है, क्या आपने उनसे कोई अप्रोच किया कि भाई ये सीरियस मैटर है और इसमें सीरियसनेस लेकर इसको सफाई कराना चाहिए? हाँ, मैंने उनसे भी बात की, जैसे मैंने कहा हर एक के साथ में जो जो निगड़ित है उनसे मैंने कोशिश की है, मैं हमारे जो नाहटा सर है उनसे भी बात की, जब मैं मनीषा मैडम से मिलने गई थी तब नाहटा सर भी वहाँ पे मुझे मिले तो उन्होंने पूछा क्या बात, तो मैंने बोला सर ये प्रॉब्लम है, आखिर क्या है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो मेन जिन्होंने लेना चाहिए वो क्यों नहीं ले रहे हैं क्या उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए आई डोंट नो, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है और हर एक ने इस पर सोच के उन्होंने लेना है। मैं यहाँ तक ही रुकूंगी नहीं, मैं अभी हमारे अवार्ड सर से भी मिलूंगी, मैं वापस जाके मनीषा मैडम से मिलूंगी। अब ये मामला कहाँ उलझा हुआ, किस विभाग और किस अधिकारी के पास, किस मंत्रालय के पास उलझा हुआ है? सर, ये MCZMA का ये है और मनीषा महेशकर मैडम ने ही वो प्रपोजल लेना है, वो अगर लेंगे वो प्रपोजल तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। जैसे आपने तमाम मंत्रियों के पास खुद पहल की है, खुद आपने उनको निवेदन भी दिया है, इसके बावजूद भी इस मामले को लेकर जो सचिव हैं जो पर्यावरण विभाग की वो अगर नहीं ध्यान दे रही हैं तो क्या इसके पीछे क्या आपको कारण लग रहा है, क्या कहीं दबाव है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसे सुनने में आया कि इसमें सेंट्रल का भी कुछ हाथ है, उन्होंने भी इसमें इनिशिएटिव लेना है, लेकिन ये टाइम पे मैं बोल नहीं सकती इसके लिए। अगर मुझे अपोजिशन, मैं ऐसे कुछ मानती नहीं हूँ क्योंकि लोगों के काम करने के लिए किसी के पास भी जाना हो तो मैं जाऊँगी, अगर मुझे देवेंद्र जी के जो हमारे विरोधी पक्ष नेते हैं उनसे भी कोई बोले कि जाके मिलो और उनसे ये होगा तो मैं जाने को तैयार हूँ क्योंकि ये लोगों का इशू है और वो सॉल्व होना चाहिए, तो इसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं आता।
जो असल मुद्दा है उसमें यही है कि उसमें मैंग्रोव के झाड़ उग गए हैं, और आज जैसे कमिश्नर ने खुद आपके सामने कहा कि ये 100% मैनमेड जो ये होल्डिंग पॉइंट है, पहले इसमें कोई मैंग्रोव नहीं था, इसलिए इसका कोई विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। कमिश्नर इतना ग्राउंड लेवल पर इस बात को कह रहे हैं, तो इसके बावजूद भी इसका समाधान के लिए पहल नहीं गंभीरता से हो रही। नवी मुंबई का ये जो इशू है ये हम जानते हैं, अभी वहाँ पे जो बैठे हम उनको सिर्फ ध्यान में ला सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मनीषा मैडम से मैंने डिस्कस किया, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि इशू क्या है, वैसे मैंने यही कहा कि मेरी लेवल पे मैं कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने अगर इसको गंभीरता से लेके अगर वो वहाँ पर जाके ये इशू को मतलब हैंडल करेंगे या बताएंगे, तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द हो सकता है, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि दिव्या गायकवाड़ जी जो हैं वो अपने लेवल पर जितना प्रयास हो सकता है एक नगर सेवक के तौर पर वो लगातार प्रयास कर रही हैं, और उनका मानना है कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इसका समाधान निकल नहीं जाता। हम उम्मीद करते हैं कि जो पर्यावरण विभाग है और जो राज्य सरकार है इसके ऊपर गंभीरता से सोचेगी, अन्यथा मानसून में वासी को डूबने से बचाना मुश्किल होगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।